एवरीबॉडी सब गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसजेपी एडवर्ड। सो गाइस यो यार, आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट अवेटेड वीडियो में से एक। चीकू को क्या बीमारी हुई थी एंड क्या क्या उसने फेस किया यार, वो सारी इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसकी पहले कंडीशन कितनी घटिया नहीं बुरी कंडीशन हो गई थी। साथ ही में यार, इस वीडियो के एंड में एक बहुत मस्त अनाउंसमेंट है, पूरी वीडियो देखना, बहुत मस्त बनी है। गर्दा उड़ा दो, लाइक शेयर कर दो अभी। चलो अब आ जाओ वीडियो देखने, आ जाओ। पिछले एक महीने में दोस्तों, अपने चीकू ने यार बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बहुत सारा दर्द सहा है इसने। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यार मेरे को ये बताने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि मैं पिछली बातों को यार याद करके फिर से दुखी होना नहीं चाहता हूँ। एंड मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन पिछली बातों को याद करते ही इतना डर सा लगता है। वो डर आपको खुद को फील होगा, बस आप देखते जाओ। दोस्तों, बात है आज से ठीक एक महीने पहले की, जब मैं और चीकू दोनों बहुत खुश थे, दोनों की एकदम हैप्पी लाइफ चल रही थी। लेकिन सडनली पता नहीं यार अपने चीकू को किसकी नज़र लगी कि उसको एक बहुत ही डेंजरस बीमारी ने घेर लिया। आई नो कि यार आप लोगों को ये बीमारी बहुत ही मामूली सी लग रही होगी, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि आपके पास में चाहे रैबिट हो, डॉग हो, कैट हो, कोई भी जानवर हो, यार ये जो माइट्स की प्रॉब्लम होती है ना, ये किसी भी जानवर को हो सकती है। मैं तो कहता हूँ इवन इंसानों में भी ये प्रॉब्लम होती है। एंड जितनी डेंजरस ये जानवरों में होती है, उसका अंदाज़ा अपने को किसी को नहीं है। यार देखो, मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि चीकू को क्या बीमारी होने वाली है एंड मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा। एंड गाइस, यहाँ तक भी मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि यार मैं अपने चीकू को जो है बचा पाऊँगा या नहीं बचा पाऊँगा। खैर दोस्तों, मैं आपको फिर से अपनी स्टोरी पर लेके चलता हूँ। जब यार चीकू बिल्कुल हैप्पी था, नॉर्मल लाइफ उसकी चल रही थी, तब सडनली एक दिन मैंने नोटिस किया कि यार वो अपने गर्दन के नीचे की तरफ जो है इचिंग कर रहा था, बोले तो खुजली खुजला आ रहा था। एंड ये खुजली जो है गाइस, उसने अपने गर्दन के नीचे के साथ में अपने कानों के पास भी खुजलाना चालू कर दिया। दोस्तों, मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यार ये इतनी डेंजरस बीमारी होती है या इसका आगे क्या रिजल्ट होने वाला है। तो मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने सोचा कि हो सकता है यार ये नॉर्मल होगा, इसलिए मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पर मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं गाइस उसी टाइम पर उसके ट्रीटमेंट पर लग जाता, तो काश चीकू को इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते। लेकिन पता नहीं दोस्तों, जैसे चीकू की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। चीकू को यार अभी बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा फेस करना था। देखो यार, डे बाय डे फिर चीकू की जो कंडीशन है वो बिगड़ती गई। उसके जो स्किन के बाल थे या उसकी पूरी बॉडी के जो बाल थे, वो एक एक करके थोड़े थोड़े कर करके उतरने लग गए। एंड मैं गाइस इतना पागलों की तरह टेंशन में आ गया था ना, एंड मैंने जितने भी वेट डॉक्टर्स थे जिनको मैं जानता था, सभी से मैंने जो है डिस्कस किया कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे हैरानी होगी आप लोगों को जानकर कि यार किसी इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा वेट डॉक्टर आपको मैं गारंटी लेता हूँ नहीं मिलेगा, जो कि यार रैबिट्स के लिए स्पेशली आप लोग को यार कोई ट्रीटमेंट बता सके। और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। जितने वेट डॉक्टर्स ने यार मेरे को कोई मेडिसिन बताया, तो सबके सब गलत थी। अरे ऐसे टाइम पे कुछ लोग होते हैं जो साले अपने पेट एनिमल को यार कहीं पे छोड़ के आने की बात सोच लेते हैं, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका भाई है ना इधर मदद करने के वास्ते। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आ जाओ वीडियो देखते हैं। लेकिन यार इसी टाइम पे जो है मेरी मुलाकात हुई कुछ ऐसे दो चार बंदों से जिन्होंने सेम इसी प्रॉब्लम को अपने रैबिट्स पे फेस किया था। एंड उनका नाम यार मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन गाइज उनकी मदद से उन्होंने मेरे को कंस्टेंटली या फिर रेगुलरली एक तरह से मेरी हेल्प की, उनको उन्होंने गाइड किया मेरे को। एंड उसी के बेस पे यार अपने चीकू का मैं ट्रीटमेंट करता गया एंड धीरे धीरे करके जो है अपना चीकू रिकवर होने लग गया। गाइज इस पूरे केस को लगभग एक महीने का टाइम लगा, लेकिन इस एक महीने के अंदर यार चीकू को इतना कुछ सहना पड़ा है, इतना दर्द उसने सहा है, मतलब कि वो ना तो बता सकता है और ना मैं आपको वर्ड्स में बता सकता हूँ। खैर दोस्तों, यार देखो आपको मैंने जो है चीकू की तो सारी स्टोरी बता दी। अब मैं आपको जल्दी से दो मिनट के अंदर या दो लाइन के अंदर यार देखो आपको वो लक्षण या साइन बता देता हूँ, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये जो माइट्स की प्रॉब्लम होती है आपके जो भी जानवर आपके पास में उसमें है कि नहीं है। एंड साथ ही मैं इसका ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ। तो यार देखो, जो इसका सबसे पहला साइन होता है वो होता है इचिंग, एंड जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है हेयर फॉल। यार अगर आपके डॉग के अंदर या कोई भी आपके पास जानवर में इचिंग और हेयर फॉल दोनों हो रहे हैं, तो यार फटाक से आपको जो है ना अलर्ट हो जाना है मतलब। एंड अब इसकी जो ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे गाइज आइवरमेक्टिन नाम की एक वैक्सीनेशन आती है, स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ।
तो यार ये जो है ना, आपको जैसा आपका वेट डॉक्टर सजेस्ट करे या इसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि कितनी क्वांटिटी में आपको देना है, तो उस हिसाब से यार आप इसको ट्रीट कर सकते हो। पर्सनली गाइज मैंने इसी का यूज़ किया था एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज ये। तो भाई साहब कैसे लगी वीडियो? बहुत मस्त लगी ना, झूठ मत बोलो, बहुत सही वीडियो थी यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, गर्दा उड़ा दो, पूरा गर्दा इस पे धुआं उड़ जानी चाहिए, ठीक है। और जल्दी से यार अपने 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाओ, अपने दोस्तों को बोल बोल के जल्दी से करवा दो। 500 पे होते आपके ये ना गिव वे लेके आऊँगा, मेगा गिव वे, क्या ध्यान से ना, मेगा गिव वे लेके आने वाला हूँ। तो यार चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। आगे आने वाली वीडियो तो बहुत मस्त आएगी, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट। Yeah. B S K Bagan.